वेल नागिन 6 में अब 20 साल का लीप आने वाला है, जहां पे प्रार्थना के ऊपर स्टोरी फोकस की जाएगी, जो प्रथा ऋषभ की बेटी है उसी के साथ साथ उसकी बहन यानी अनमोल भी होगी। पिक्चर्स जिस तरीके से बिहाइंड द सीन्स के आ रहे हैं, लग रहा है दोनों की दोनों जुड़वा बेटियां हैं। तेजस्वी ही प्रार्थना की भूमिका निभाने वाली है यानी ऋषभ और प्रथा की बेटी, और अमनदीप सिंधु को फाइनलाइज कर दिया गया है एज अनमोल, जो तेजस्वी की बहन का रोल, प्रार्थना की बहन का रोल जो है अनमोल का, वो निभाने वाली है। प्रतीक सहजपाल की बात करें तो वो ऑलमोस्ट कंफर्म्ड हो चुके हैं, पहले शॉर्टलिस्टेड थे लेकिन अगर खबरों की माने अब वो ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुके हैं तेजस्वी के अपोजिट होंगे या फिर अमनदीप के, अभी तक इसके ऊपर कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन अब आपको बता देते हैं, महा एपिसोड 2 घंटे का सैटरडे के दिन आने वाला है, जहाँ पे तेजस्वी के नागिन 6 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ सकता है। जी हाँ, एक तो जनरेशन लीप जो है एंड ऑफ द एपिसोड में हमें दिखाई देगी या फिर अगले हफ्ते दिखाई देगी, लेकिन फिलहाल कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं प्रथा ऋषभ के साथ बच्चियों के, तो ये पिक्चर्स देखकर जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ हो सकता है। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त वेदांगी करने। कुछ पिक्चर्स सामने आ रहे हैं, एक तो सबसे पहले आपको ये वाला वीडियो ही दिखा देते हैं, जहाँ पे आप इस वीडियो में एक छोटी सी बच्ची को यहाँ पे देख सकते हो प्रथा के साथ। सो ये बच्ची जो है एक तो प्रार्थना हो सकती है या अनमोल हो सकती है, साथ ही साथ तेजस्वी के कुछ पिक्चर्स भी यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, एक फैन पेज ने अपलोड किए हुए हैं इंस्टाग्राम पर एक छोटी बेटी के साथ, और ये दूसरी जो है ये बेटी है। अब ये हमें एक तो पहले छोटे छोटे बच्चे लिटरली कुछ 1.5 साल 2 साल के भी हमें दिखाई दे सकते हैं गोद में प्रथा और ऋषभ के, उसके बाद उनका एक दो साल का लीप भी हो सकता है बीच में, जहाँ पे उनकी स्टोरी कैसी जा रही है वो देख सकते हैं। क्योंकि ये देखिए, ये एक और पिक्चर सामने आ रहा है, तो यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स के काफ़ी पिक्चर्स आ रहे हैं, लेकिन ये वाला फोटो देखने के बाद तो हम ज़रूर कह सकते हैं कि अगर ये बड़ी होने वाली प्रार्थना है, मतलब धीरे धीरे जो बड़ी हो रही है, अगर प्रार्थना की बचपन की अगर हम देखें 3 या 4 साल का शायद पहले लीप आ सकता है, जहाँ पे हम प्रथा को इस तरीके से देख सकते हैं और छोटी बच्ची जो है वो प्रार्थना हो सकती है। ग्रोइंग एज शायद ये दिखाना चाह रहे हैं, ये लोग डायरेक्टली 20 साल का गैप नहीं दिखाएंगे और धीरे धीरे करके गैप दिखाएंगे, ऐसा भी हम ये पिक्चर्स को देखकर बता सकते हैं कि धीरे धीरे गैप आ सकती है, धीरे धीरे एज गैप आ सकती है। ये तो हमने सोशल मीडिया पर स्टोरी देखी ही थी ये वाली, जहाँ पर हम इतनी छोटी सी बच्ची के साथ प्रथा को देख रहे हैं। सो यस, अलग अलग एज गैप आ सकते हैं, यानी पहले 1 साल का, फिर 2 साल का, फिर 3 साल का, ऐसा एज गैप दिखाए ताकि प्रार्थना की ग्रोइंग एज ये लोग दिखा सकते हैं कि प्रार्थना की स्टोरी किस तरीके से जा रही है, उस वक्त प्रथा क्या कर रही है, उस वक्त ऋषभ क्या कर रहे हैं। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ पे ऋषभ उठाते हुए दिखाई दिए हैं। सो ये भी कुछ बड़ा चीज़ हो सकता है। सो अब देखना ये होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग कि क्या डायरेक्टली 20 साल का लीप आएगा, बट जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ ये स्टोरीज और वीडियोस पिक्चर्स, मुझे लग रहा है पहले 1 साल का, फिर 2-3 साल का, फिर 5 साल का और फिर 20 साल का गैप आएगा। डायरेक्ट 20 साल नहीं दिखाएंगे, ग्रोइंग स्टेज ऑफ प्रार्थना एंड अनमोल दिखा सकते हैं और उस वक्त ऋषभ और प्रथा की स्टोरी और ग्रो करते हुए और ब्यूटीफुल तरीके से हमें देखने मिल सकती है। क्या कुछ कहना है इस पर, लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। आई सी यू गाइस सून।